नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले आज के 14 जून की करंट अफेयर वीडियो को, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पे नए हैं तो रेड बटन के साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और किसी वीडियो को आप मिस ना करें। सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो की भी पीडीएफ फाइल आप प्राप्त करेंगे हमारे इन दोनों चैनलों पर, यानी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, तो फटाफट ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर एक। वीडियो है 1150 नंबर। किस गायक को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किस गायकार को किया गया है? तो है ARRHMAN को। गायकार हैं ARRHMAN, उनको जो है इंडो यूके कल्चर के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्हें सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस संस्कृति के मौसम का उद्देश्य क्या है? कला, अंग्रेजी और शिक्षा के क्षेत्र में भारत यूको सहयोग को मजबूत करना है। रिवीजन क्वेश्चन देखेंगे। पहला रिवीजन है, रोड्रिगो चावस ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? तो वह कोस्टा रिका के। किसने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय योजना को मंजूरी दिया? तो है भारतीय रिजर्व बैंक ने। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फार्मेट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो है TCS ने वर्ष 2021 में वैश्विक BPM प्रदाताओं में कौन सा स्थान बरकरार रखा है? तो है दसवां। कौन सा? दसवां। आलोक कुमार चौधरी ने हाल ही में किस बैंक के नए MD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वह भारतीय स्टेट बैंक के। भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किसे हराकर स्विट्जरलैंड के जो लुसाने है उसमें पहली FIH हॉकी 5th चैंपियनशिप जीती है? तो वह पोलैंड हॉकी टीम को हराते हुए भारतीय हॉकी टीम ने इस फाइनल में जीत दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर दो, दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो उनका नाम है मयंक अग्रवाल। क्या नाम था? मयंक अग्रवाल है, उनको जो है प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दूरदर्शन समाचार के ये महानिदेशक थे, उन्हें शशि शेखर वेमपति का स्थान लिया है, जिन्हें 5 साल तक राज्य प्रसारक की CEO के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किस मंत्रालय ने क्रेडिट राजनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। सही आंसर होगा D, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में क्रेडिट राजनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत UNDP केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड की तकनीकी सहायता देगा। क्वेश्चन नंबर चार, भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा बनाई? तो है 2023 के अंदर। 2023 के अंदर जो इसकी घोषणा की, इस मिशन को लॉन्च करने की, गगनयान और महासागर की। भारत ने वर्ष 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। अंतरिक्ष और महासागर मानव मिशन दोनों के लिए परीक्षण एक उन्नत चरण में विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर पाँच नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 उसमें भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर कौन से स्थान पर है? तो 155वें स्थान पर। कौन से? 155वें स्थान पर। हाल ही में जारी AQS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर 2022 रैंकिंग के बाद से 23 स्थान प्राप्त करते हुए 155वें स्थान पे हैं, जबकि इस रैंकिंग में अमेरिका के मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहला, इसके बाद यूके में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसको दूसरे स्थान पर मिला है। आज के टोटल दो क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, कमेंट के द्वारा सही आंसर करने वाले विजेताओं के नाम देंगे अगले वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन है आपके सामने लता मंगेशकर के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर, अटल बिहारी
वाजपेयी के नाम पे या यशराज के नाम पे? फटाफट आंसर कर दें कि अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम हाल ही में चेंज करके किनके नाम पे रखने की घोषणा हुई है? लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी या यशराज? फटाफट आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर दो भी देख लेते हैं कि भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में तियागोग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक क्रूड मिशन शुरू किया है? तो किस पड़ोसी देश ने किया है भारत के? ऑप्शन आपके सामने भूटान, चीन, बांग्लादेश या सऊदी अरब। फटाफट आंसर कर दे। भारत के किस पड़ोसी देश ने तियांग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए क्रूड मिशन शुरू किया है? भूटान, चीन, बांग्लादेश या सऊदी अरब? दोनों सही आंसर देंगे तो अगर आपका है अगले वीडियो नाम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? किस विधान द्वारा? न्यूयॉर्क विधानमंडल के द्वारा। सही आंसर डी, न्यूयॉर्क राज्य विधायिका विधानमंडल है उसने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे उपकरण सूचना सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए यह बिल जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति मनाया गया? तो वह संयुक्त अरब इमारात का। सही आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब इमारात का जो है नया राष्ट्रपति मनाया गया। संघ की सर्वोच्च परिषद ने अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब इमारात का नया राष्ट्रपति चुना है। उन्होंने शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का स्थान लिया है जिनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। क्वेश्चन होते हैं उनके लिए जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर जी सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जी सकता, इसीलिए हमेशा क्या सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मकता जो है हावी ना होने दे। क्यों? मैदान में जो हारता है वो जी सकता है पर जो मन से हार जाता है वो क्या कभी नहीं हार जी सकता। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, ना कि नेगेटिव। पिछली वीडियो के दोनों क्वेश्चन देखें और सही आंसर करने वाले भी जेता होना। पहला क्वेश्चन क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे की समय अवधि में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वह 75 किलोमीटर। इसके अंदर क्या है 105 घंटे लगे हैं टोटल और 75 किलोमीटर लंबी जो है सड़क बनाई है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, ये वो अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। क्वेश्चन नंबर दो, किस राज्य की प्रियंका मोहते हैं जिन्होंने 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊपर की जो है पाँच चोटियाँ चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी है? तो वो कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की। सही आंसर क्या था? डी, यानी सी एंड डी सही आंसर थे और सी ओ डी आंसर किसी ने नहीं दिया, यानी कोई भी आज का सही आंसर करने वाले विजेता नहीं है। दोनों क्वेश्चनों के अगर किसी ने सही आंसर दिया है तो वो आज कोई नहीं है। तो आज के जो क्वेश्चन है उनके अगर आप सही आंसर करते हैं तो अगले वीडियो में आपका नाम जरूर दिया जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन है उनके आंसर दीजिए नीचे कमेंट के द्वारा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। और जो इंटरेस्टिंग जो है 20 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है 15 की, उसमें क्या हमने 5 और ऐड कर दिए हैं, 15 के अंदर हमने जो क्या है 5 ऐड और कर दिए हैं। टोटल अब कितने होंगे? तो होंगे 20 क्वेश्चन। तो ये 20 क्वेश्चनों का जो वीडियो है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, उसको आप स्तंभ के द्वारा देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।